ये निकल चुका है। ये जो है पूरा एलईडी वाला प्लेट है ताकि ये कूल रहे, ठंडा रहे, इसलिए यहाँ पर हीट सिंक लगाया बड़ा वाला। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं स्वागत करता हूँ आपका इंडिकार एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम देखेंगे ये पारा लाइट जो डिस्को में लगता है, आज इसका हम रिव्यू करेंगे और इसके अंदर का देखेंगे खोल कर कि इसके अंदर क्या क्या सिस्टम लगा होता है जिसके कारण यह काम करता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आज बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। जो लोग चाहते हैं या जो लोग चाहते हैं कि हम इसके अंदर का देखें पारालाइट के अंदर आके क्या क्या होता है, तो उनके लिए वीडियो है वो लास्ट तक बने रहें। तो समय न गंवाते हुए इसको ओपन करते हैं। ओपन करने से पहले एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि ये वर्किंग मोड में है या नहीं। देख सकते हैं दोनों जो पारालाइट हो चल रहा है, अच्छे से जल रहा है। अब इसको हम ओपन करते हैं। पहले हम इसको जो इसका एक किनारे वाला है इसको हटा लेंगे खोलकर। दोनों का खोल लिया है हमने, इसके बाद पेच खोलते हैं फिर देखते हैं। एक बार इसके पीछे के देख लेते हैं क्या क्या है। इसके पीछे जो होता है ये चार बटन होता है, एक होता है मेनू, एक होता है अप ऊपर के लिए, एक डाउन, एक इंटर, बाकी ये डिस्प्ले लगा है। ये है कूलिंग के लिए फ़ैन दिया गया है, बाकी इसमें हम डायरेक्ट एम्पलीफायर से भी चला सकते हैं। DMX इन, DMX आउट, इसी तरह इसमें भी है। बाकी यहाँ देख सकते हैं मेड इन चाइना। इसको ओपन करते हैं। ये खोल चुका है और इसके अंदर का जो चीज़ है आप देख सकते हैं। पहले इसको हम निकाल लेते हैं एक बार। ये निकल चुका है। ये जो है पूरा एलईडी वाला प्लेट है ताकि ये कूल रहे, ठंडा रहे, इसलिए यहाँ पर हीट सिंक लगाया बड़ा वाला। और बाकी सब इसमें है। एक फ़ैन दिया गया है जो कि ठंडा रखने के लिए है, और एक पावर सप्लाई है जो कि यहाँ से वोल्टेज को हम DC वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद ये ड्राइवर दिया गया है जिससे LED कंट्रोल होता है। यहाँ पे एक माइक भी दिया गया है छोटा सा जो कि म्यूजिक के साथ एक काम करता है, और यहाँ पर आउटपुट इनपुट के लिए दिया गया है। जो ये सिस्टम है पूरा सिस्टम दिया गया है, इसी में भी होगा, इसको भी हम खोल कर दिखा देंगे। अभी फिलहाल के लिए इसको हम एक बार ओपन में चालू करते हैं। ये देख सकते हैं फैन स्टार्ट हो गया है। एक बार इसको भी ओपन कर लेते हैं और आप दिखा देते हैं सेम इसी टाइप का है या अलग है। ये देख सकते हैं इसमें भी उसी तरह है, फैन, पावर सप्लाई और ये ड्राइवर चलाता है। बाकी ये दोनों को सामने रखते हैं और देख सकते हैं इसका उल्टा है या सीधा है, बाकी इसमें कोई अंतर नहीं है, सब वही होता है। यहाँ पे दिखा रहा है, देख सकते हैं जो दिखा रहा है 24 वोल्ट 60 वाट, इस पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। दोनों का वोल्टेज हम चेक कर लेंगे आखिर रियल में कितना दिखा रहा है। पहले हम इस वाले को देखते हैं। चौबीस
24 बोल्ट, 23 बोल्ट दिखा रहा है, मांगे चलिए 24 बोल्ट दे रहा है। हाँ इसमें भी देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे मल्टीमीटर रखते हैं और यहाँ पर चेक कर लेते हैं वोल्टेज को। इसमें जो दिखा रहा है 33 वोल्ट दिखा रहा है, यानी कि ये ज़्यादा वोल्ट दिखा रहा है, इसलिए इसका प्रकाश भी ज़्यादा है लाइटिंग। ये 24 वोल्ट पर है, ये 33 वोल्ट, 33, 34, 35 यही होगा। एक बार फिर से टेस्ट निकल लेते हैं, ये 24 वोल्ट वाला है, 33 वाला, ये ज़्यादा तेज जलेगा, ये कम। पहले इसको जला लेते हैं, इसका प्रकाश देख सकते हैं, और ये 33 वोल्ट वाला है, इसको जला लेते हैं। आप देख सकते हैं कौन सा ज़्यादा तेज ग्लो कर रहा है। बाकी आज के वीडियो में यही दिखाना था। अगर कोई भी क्वेश्चन चल रहा है माइंड में आपके, तो कमेंट में जाकर आप पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब दे देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो बने रहिए वीडियो पर, आगे हम नए नए कंटेंट लाते रहेंगे आपके सामने। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।